कौनसी इलेक्शन में बीजेपी को हराने वाली अन्नपूर्णा सिंह के बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपके बीच शेयर जरूर करना चाहेंगे। वाराणसी भद्रोही चंदौली सीट पर 4876 वोट डाले गए, जहां अन्नपूर्णा को 4234 वोटें मिली। समाजवादी पार्टी के उमेश यादव को 345 मत मिले, तो वहीं भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल को 170 वोट के साथ तीसरे नंबर पर खड़ी देखा गया। ऐसे में अन्नपूर्णा, जो कि 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है, 2016 में पति ब्रजेश सिंह चुनाव जीते थे उनके बाद। चंदौली से भाजपा विधायक उनके भतीजा है, जिनके संपर्क में वो हमेशा रही है। खैर, यहाँ आपको बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी अन्नपूर्णा सिंह ने भाजपा के प्रत्याशी को हराकर कहीं ना कहीं बड़ा झटका बीजेपी को भी दिया, सपा को भी दिया है। अब पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को पटकनी देने वाली अन्नपूर्णा सिंह आखिर में कौन है, आपको बता दें, क्योंकि उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो गाजीपुर के जमानिया कोतावली क्षेत्र के बरुई गांव में जन्म लेने के बाद शिक्षा दीक्षा जमानिया के हिंदू इंटर कॉलेज से कंप्लीट करने के बाद 90 के दशक में ब्रजेश सिंह से शादी करने के बाद 2010 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट से MLC चुनाव लड़ती हुई नजर आई और जीत हासिल करती नजर आई। और इसके बाद यहां पर उनके पति ने 2016 में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल करते नजर आए। इसके बाद आपको बता दें कि अन्नपूर्णा के भतीजे सुशील भी चंदौली की सदय राजा विधानसभा सीट से विधायक के भाजपा के विधायक। ऐसे में बात आपको बताना चाहेंगे, सुशील को भाजपा के कद्दावर नेता के रूप में पहचान दी जाती है। तो आपको बता दें, उनके पति को माफिया भी कहा गया है, परिवार का दबदबा सीट में हमेशा रहा है, क्योंकि डॉन ब्रजेश सिंह कहलाते हैं और उनकी पत्नी है अन्नपूर्णा, जो कि जीत हासिल करने के बाद इस वक्त तारीफों में है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ तृप्ति की रिपोर्ट।